जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजनेत अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली, कल जैसे मैंने बोला था कि सीआरपीएफ एनसीएम के बाद मेरा अगला वीडियो आरपीएफ कॉन्स्टेबल पे रहेगा, इसके बारे में क्या क्या अपडेट है, अभी तक क्या अपडेट है, कितने पोस्ट की वैकेंसी रहने वाली, कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब इसकी नोटिफिकेशन आपके पास मिलेगी, कब इसके एग्जाम होंगे, कब इसके फिजिकल होंगे, इसकी पूरी की पूरी डिटेल पर हम बात करेंगे दोस्तों। साथ ही जितने भी दोस्त जिनको मेडिकल और फिजिकल की प्रॉब्लम है, वो सभी दोस्तों के लिए मैंने नया चैनल बनाया कमांडो फिजिकल टिप्स। दोस्तों बिग अल्फाबेट यानी बड़े कैपिटल अक्षर में आपको लिखना है, यूट्यूब पे जाकर कमांडो फिजिकल टिप्स मेरी पिक लगी हुई है और वो चैनल आपको दी जाए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे लिंक भी दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो और उस पर आने वाले एक या दो दिन में, शायद कल या परसों से वीडियो आने शुरू होंगे। तो आपकी जितने भी मेडिकल से संबंधित प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी प्रकार की आपकी मेडिकल या हाइट की प्रॉब्लम है, या आपको नोकनी प्रॉब्लम है, गर्दन में कोई प्रॉब्लम है, टीएनएस प्रॉब्लम है, या कान का ऑपरेशन रुका, आँख का ऑपरेशन रुका, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप मेडिकल पास कर सकते हो। इन सभी मतलब त्रुटियों के साथ में, आपकी शरीर में कमियों के साथ में आप मेडिकल कैसे पास कर सकते हो, इसके बारे में पूरी की पूरी मैं वहाँ पर आपको जानकारी और गाइड और टिप्स दूंगा दोस्तों। साथ ही आपका फिजिकल कैसे स्ट्रॉन्ग हो, इसके बारे में भी टिप्स दूंगा और करके भी बताऊंगा फिजिकल एक्सरसाइज। तो कमांडो फिजिकल टिप्स वीडियो के नीचे भी लिंक मिल जाएगा दोस्तों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के आपको बहुत फायदे होने वाले, क्योंकि जितने भी एग्जाम के बारे में यहाँ बता रहा हूँ, उन सभी के ओल्ड पेपर की पीडीएफ आपको वहाँ मिलती रहेगी, मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप 100% जुड़ जाइए। किसी को मेरे से बात करनी हो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है, डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टाग्राम पर आ सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं आरपीएफ कॉन्स्टेबल की। तो सबसे पहले मैं इसके क्राइटेरिया बता देता हूँ दोस्तों। आरपीएफ कॉन्स्टेबल के लिए आपकी 10th क्लास पास होनी चाहिए, 10th क्लास पास होनी चाहिए। आपका इसका एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल, यानी 18 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। शायद इस बार आपको एज में छूट देखने को मिले, लेकिन 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, एससीएसटी के लिए 5 साल की छूट, यानी एससीएसटी का बच्चा 18 से 30 साल तक का, ओबीसी का बच्चा 18 से 28 साल तक का बच्चा। तो ये इसका एज क्राइटेरिया है। इसके बाद में इसकी 10th क्लास पास होनी चाहिए दोस्तों, फिर इसके रिटर्न एग्जाम, उसके बाद में इसका फिजिकल। फिजिकल में इसके लड़कों के लिए 1600 मीटर की रनिंग होती है, 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाता है। इसमें आपको 4 फीट अप जंप और 14 फीट लॉन्ग जंप भी करना होता है दोस्तों। इसके बाद में आपका चेस्ट होता है, हाइट इसके लिए लड़कों के लिए 165 सेमी, लड़कियों के लिए 157 सेमी और चेस्ट 80 से 85 सेमी। और एससीएसटी के बच्चों के लिए स्पेशली छूट दी जाती है हाइट में, तो 162 सेमी, 152 सेमी लड़कियों के लिए और चेस्ट 77 से 82 सेमी। तो ये लड़कियों के लिए इसका हाइट क्राइटेरिया। अब इसके बारे में बात करें लड़कियों के लिए फिजिकल, तो 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 45 सेकंड में आपको 800 मीटर की रनिंग करनी होगी, 3 फीट अप जंप करना होगा और 9 फीट लॉन्ग जंप। अगर आपको सुनने में बड़ा आंकड़ा लग रहा है 3 फीट अप जंप या 4 फीट अप जंप लड़कों के लिए, लेकिन मैं बता दूं दोस्तों ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, बहुत ही ईजिली आप इसको कर पाएंगे। इसका जो एग्जाम पेपर होता है इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं रिटर्न का। सबसे पहले हम इसके बात करते हैं रिटर्न की। फिजिकल के मैंने बता दिया, मेडिकल का क्राइटेरिया आप सभी को पता ही है कि इसका मेडिकल किस प्रकार से होता है। इसका मेडिकल का क्राइटेरिया क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं, सभी डिफेंसेंस का जो मेडिकल होता है उसकी प्रोसेस आपको पता किस प्रकार से होती है, लेकिन फिर भी इसके बारे में आपको गाइड उस चैनल पर मिल जाएगी मेरे। लेकिन अब बात करें इसके कि इसके क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। इसका एग्जाम इसमें 50 क्वेश्चन आपको जीके के, 35 रीजनिंग और 25 मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन यानी पेपर 120 क्वेश्चन का पेपर होता है, 35 क्वेश्चन रीजनिंग, 35 मैथ और 50 क्वेश्चन जीके के। 120 क्वेश्चन का ये पेपर होता है, 90 मिनट का आपको इसमें समय दिया जाता है, यानी 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें इसके अगर पे स्केल की, तो SSC GD और RPF कॉन्स्टेबल का दोनों का पे स्केल बराबर होता है, 21,700 से 69,100 रुपये तक का। ये दोनों का पे स्केल अभी प्रेजेंट टाइम में डिफेंस सेंट्रल लेवल की जितनी भी डिफेंस है उसमें GD यानी जनरल ड्यूटी के लिए जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे RPF कॉन्स्टेबल हो, चाहे SSC GD, इन सभी का पे स्केल सेम है। अब दोस्तों बात करें इस वैकेंसी की कि इसमें कितनी पोस्ट रहने वाली है। तो दोस्तों शुरू से जब ये वैकेंसी काफ़ी दिनों से वेटिंग लिस्ट में चल रही है कि इसकी नोटिफिकेशन रेलवे एक बार पहले भी जारी कर चुका है कि ये वैकेंसी हम कराएंगे, नोटिस जारी कर चुका है कि 11,000 पोस्टों पर RPF कॉन्स्टेबल की वैकेंसी कराएंगे, लेकिन उसको लगभग 1 साल का समय हो गया। कोरोना काल से पहले की ये बात है, यानी 1 साल के समय होने के कारण ये वैकेंसी के आंकड़े बढ़ जाएंगे, यानी अब ये वैकेंसी आपको 15,000+ देखने को मिलेगी दोस्तों। क्योंकि हर साल एवरी ईयर RPF कॉन्स्टेबल में वैकेंसी कम से कम हर 2-3 साल में आती है, तो इसके 10 से 11,000 की पोस्ट की वैकेंसी आ रही है। इस बार इसकी वैकेंसी काफ़ी लॉन्ग समय से आ रही है, यानी काफ़ी 1 साल का इसका
वेटिंग टाइम लग गया है, तो वो वैकेंसी सीटें भी जुड़ेगी, 15,000 प्लस पोस्टों की ये वैकेंसी आएगी। दोस्तों अब इसकी बात करें हम, इसकी नोटिफिकेशन कब आएगी, इसके एग्ज़ाम कब होगी, इसके फिजिकल कब होगी, इसका मेडिकल कब होगा, उसके बारे में। तो दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन वैसे मार्च के महीने में SSGD के साथ आने वाली थी, लेकिन अभी किसी यानी रेलवे की तरफ से अभी कोई ऐसा नोटिस जारी नहीं हुआ कि इसकी फिक्स नोटिफिकेशन डेट दी गई। लेकिन दोस्तों ये मान के चलिए ये 2021 में ही ये वैकेंसी होगी, वैकेंसी की लगभग एग्ज़ाम आपको 2021 में ही देना पड़ेगा इसका, यानी 2021 के समय SSGD का जब एग्ज़ाम होगा अगस्त के महीने, तो इसका हो सकता है कि अगस्त से सितंबर अक्टूबर तक इसका एग्ज़ाम चला जाए, लेकिन इसकी नोटिफिकेशन आपको अप्रैल महीने में यानी मार्च एंडिंग में, अभी भी एंडिंग के साथ ही नहीं इसके इसमें मिल सकती है, या अप्रैल महीने में आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। नोटिफिकेशन से मतलब ये है कि अप्रैल, मैं बोल रहा हूँ कि अप्रैल महीने में आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने के काफ़ी चांसेस है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से वैकेंसी पेंडिंग है। तो यानी अप्रैल के महीने में आपकी कॉन्स्टेबल वैकेंसी आ सकती है, आपको अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, जिन बच्चों का फिजिकल अच्छा है वो बच्चे ज़रूर तैयारी करें, और जिनका फिजिकल अच्छा नहीं है वो मेरे उस चैनल से जुड़ जाए कमांडो फिजिकल टिप्स से, तो वहाँ पर मैं आपको हर रोज़ लाइव मिलूँगा, कम से 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आपकी सारी बातें बताऊँगा, आपको टोटल टिप्स बताऊँगा, खाने पीने की हर एक प्रकार की डाइट कौन सी फॉलो करनी है, किस प्रकार से आपको काम करना है, किस प्रकार से पूरे दिन का आपका रूटीन होना चाहिए, सब डाइट, जिसका वेट कम हो उसको भी बताऊंगा, जिसको वेट बढ़ाना उसके लिए भी बताऊंगा, किस प्रकार से वेट घटाए, किस प्रकार से बढ़ाए, टोटल जानकारी आपको वहाँ मिलने वाली है दोस्तों। तो जितने भी दोस्तों का फिजिकल फिट नहीं उनको वहाँ पर मैं फिजिकल फिट कर दूंगा, और SSGD के जितने बच्चों ने फॉर्म लगाने वाले वो भी ज़रूर जुड़ जाए, उनको भी मैं वहाँ पर टिप्स दूंगा अगर किसी की हाइट कम ज़्यादा है तो। तो दोस्तों ये इसका पूरा क्राइटेरिया है, और कुल मिला के ये है कि ये वैकेंसी 2021 में ही होगी, इसका एग्ज़ाम 2021 में होगा, तो आप तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। इसकी नोटिफिकेशन आते ही रेलवे की तरफ से जैसे नोटिफिकेशन आएगी, आते ही 1 महीने के अंदर अंदर आपके फॉर्म सबमिट हो जाएंगे, और वैकेंसी की 2 या 3 महीने के एग्ज़ाम की डेट आती है दोस्तों, हर बार नोटिफिकेशन के इसके बाद में 3 महीने एग्ज़ाम की डेट आती है। तो यानी 2021 के अंदर अंदर ये वैकेंसी होने वाली, शायद आपको अप्रैल महीने में इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए दोस्तों, और काफ़ी अच्छी पोस्ट पर ये वैकेंसी आने वाली है। जय हिंद।